आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र जो कि फिजिक्स क्वेश्चन 2 से संबंधित है, आवर्धन m बराबर v बटा u सिद्ध करेंगे। आप जानते होंगे कि आवर्धन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं आवर्धन? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आइए इसको हम लोग सिद्ध करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमें सिद्ध करना है m बराबर v बटा u, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे। ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है बताइए आप लोग। ऐसे आप लोग देखे होंगे, ये देखिए, ये लग रहा है कि बीच में ऐसे मोटा है, ठीक ना, और किनार पे लगता है कि पतला है, और दोनों तरफ से पारदर्शी है, मतलब प्रकाश आर पार जाएगा, किसी भी तरफ कलई नहीं है। तो जब कलई नहीं है तो ये जो है और बीच में मोटा है, तो कौन सा लेंस होगा? ऐसे कौन सा लेंस होता है, ऐसे अध्ययन कर रहे हैं, ये कौन सा लेंस हुआ? उत्तल लेंस हुआ ना, हाँ उत्तल लेंस, बिल्कुल सही। और ये जो बीच में धसा हुआ है और किनार में मोटा है, ये कौन सा लेंस है? ये है अवतल लेंस। तो हम लोग उत्तल लेंस में ऐसे कर दिए, उत्तल लेंस हो गया, बीच में मोटा किनार में पतला। सिद्ध करेंगे कि m बराबर v बटा u होता है आवर्धन। तो यहां पे एक इसका मुख्य अक्ष खींच लेंगे, और मुख्य अक्ष खींचने के बाद में एक वस्तु मान लेते कि इसका f है, इसका एफ वन मान लिए, और ये जो है एफ वन डैश हो गया, मतलब दूसरे तरफ का हो गया। तो इसके 2f1 और f1 के बीच में एक वस्तु को रख रहे हैं, तो ये वस्तु OA हो गया। अब यहां से इसको प्रतिबिंब हम बनाएंगे, किरण खींचेंगे, किरण खींचेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो एक समानांतर किरण आ रही है, वो लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? तो वो जो है f से होकर गुजरती है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, एक किरण P से लेकर आएंगे इसके प्रकाशीय केंद्र, या O से लेकर आएंगे, तो एक प्रकाशीय केंद्र से एक किरण जा रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों लेंस से अपवर्तित किरणें यहां पर काट रही हैं। तो जहां पर काट रही है उसको ऐसे इसको मिला लेंगे, मतलब कि यही IB हो गया, IB प्रतिबिंब बन रहा है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, हमें यहां पर फिगर जो है मिल गया, प्राप्त हो गया, ये एफ डैश है, एफ वन डैश, तो ये फिगर बन गया। अब आप देखते हैं जो त्रिभुज बन रहा है, इस पर हम विचार करेंगे, कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ओ ए, यहां पे भी ओ मान लिए हैं, तो चलिए यहां पर हम इसको ओ डैश मान लिए, ठीक ना। तो ओ डैश ए और ओ, और त्रिभुज आप देखिए आई बी ओ समरूप है या नहीं है, तो आप देखिएगा कि ये जो है, तो ये आप देखिएगा कि ओ डैश ए और ओ जो है वो समरूप है किस त्रिभुज के? आई बी ओ के, आई बी ओ के। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो है अनुपातिक होती है, या आप इसको चाहिएगा तो ऐसे भी इसको पहले कर सकते हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप है। तो आप इसको लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स कि त्रिभुज आई बी ओ समरूप त्रिभुज ओ डैश ए ओ, ये सब समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज संगत भुजा अनुपातिक होती है। तो आई बी ओ का हम यदि आई बी लेते हैं तो इसके बट्टा में क्या लेंगे, ये इसका एक तरह का लंब हो गया, इसमें भी ये लंब हो गया, इसका भी ये हम लेंगे ऊंचाई, तो OA हो गया बराबर। इसका यदि हम आधार लेते हैं, IO लेते हैं, तो इसका हो जाएगा O डैश O, मतलब इसके वैल्यू को रखेंगे। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, आई भी जो है उल्टा बन रहा है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम सूचित मान लीजिए कर रहे हैं h2 से, तो
तो ये क्या होगा, प्लस में होगा माइनस में होगा, उल्टा बनता तो क्या होता है माइनस होता है। तो माइनस एच टू बट्टा में ये जो है एच वन मान लिया इसको, ये सीधा है ना, सीधा रखे हैं, तो माइनस एच टू बट्टा में एच वन बराबर आई ओ, आई ओ है तो आई से लेकर के ओ मतलब कि प्रकाशीय केंद्र से लेकर के और प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। और प्रतिबिंब दूरी को किस सूत्र करते हैं, तो सूत्र करते हैं वी से, तो हो गया वी। और चूंकि ये उस साइड है आरसे साइड है इसलिए प्लस में होगा, और बटा में ओ डैश ओ है, ओ डैश ओ मतलब कि प्रकाशीय केंद्र से लेकर के वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी। तो ये प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस में रचे साइड में है तो माइनस यू। अब स्टूडेंट्स आप क्या देखते हैं कि ये माइनस नीचे में है और ये माइनस ऊपर में है, ये माइनस प्लस क्या हो गया कट गया, और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो और हो गया, और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के अनुपात को कहते हैं आवर्धन एम, तो एम बराबर हो गया वी बटा में यू, फर्क नहीं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स लेंस यदि है तो लेंस में आवर्धन एम बराबर वी बटा यू होता है, याद रखिएगा। दर्पण होगा तो वहां पे जो है वह होता है एम बराबर माइनस वी बटा में यू, लेकिन लेंस में एम बराबर वी बटा यू हो गया। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये सिद्ध हो गया कि एम बराबर माइनस एम बराबर वी बटा में यू होता है। अब हम लोग को इसमें विभिन्न पॉइंट्स और भी जानना है, जैसे कि प्रकाश, चूंकि ये लेसन टू का है, प्रकाश का अपवर्तन उसका हेडिंग है, तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है वो माध्यम प्रकाशीय होता है। जब कोई प्रकाश किरण जो है एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाश के माध्यम में प्रवेश करती है तो उमूर्ति, देखिए कैसे, ये मान लीजिए कि हवा हो गया, ये हवा हो गया और ये पानी हो गया, यहां पर प्रकाश किरण ऐसे इंटर की, ये अभिलंब खींचे है तो यहां से इधर मुड़ती है। तो इस प्रकार जो है ये जो मुड़ने की क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कितने नियम है प्रकाश अपवर्तन, अपवर्तन के भी दो नियम है, कौन कौन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं और किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसमें और बहुत सारी बातों का अध्ययन करना, लेकिन हमको मिलने यहाँ पर सिद्ध करना था एम और वी बटा यू लेंस में, ये सिद्ध हो गया स्टूडेंट्स। और बहुत सारी पॉइंट्स इसमें स्टडी करना है जिसको हम आगे डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।